अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सब अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। अभी बज रहे सुबह की 11:06 हो गया। तो मैं काम कर रही थी, मतलब चावल बन गया, आज चाय पी रही थी। आज ये थर्सडे, मतलब गुरुवार, तो चाय पी रही थी। चाय पी के हो गए, चाय पीते पीते ही मैं लहसुन अदरक मसाला वसला निकल के लिए साफ करके लिए, अभी तक पीसी नहीं। झाड़ू पीसेंगे मसाला, अभी कांदा बटाटा काट के लिए फिर मसाला पीसने को। फिर कांदा बटाटा काट के झाड़ू उड़ू लगा लूँ, फिर जाके ये करेंगे, क्योंकि अभी तक पीने का पानी नहीं आया। आज पीने का पानी का कॉक चालू ही रह गया था, ऊपर से चालू रह गया था, इसके लिए पानी झटका मार मार के आ रहा था सुबह से। तो हम लोग को पता नहीं था, मैं अगर उठी रहती थी तो पता रहता। मैं आके लेटी थी इधर, तो मेरे को आवाज़ नहीं आया, लड़की को आवाज़ आया। लड़की तब कितना 9:45 ऐसा कुछ हो रहा था, लड़की गया था आप उधर मुंह धोने के लिए, ड्यूटी जाने का तैयारी कर रहा था, तो हाथ मुंह सब धोने के लिए गया था। तो जब गया तो तब देख रहे पानी आ रहा है झटका मार मार के, आके मेरे को उठा रहा है, मम्मी पानी आ रहा है झटका मार मार के, क्या करूँ? मैंने बोली तू फ़ोन करके बोल दे आंटी को, आंटी बंद कर देंगे। फिर फ़ोन किया, फिर बंद किया, तब तक बहुत लेट हो गया। फिर भी ये किया, अभी आएंगे पानी थोड़ी देर में अगर आया तो। इधर सबका चालू रहता है लेकिन कोई बोलता नहीं है फ़ोन करके। हम लोग को अगर पता चलता है तो हम लोग बता देते फ़ोन करके, बाकी कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा है, सब लगता है कि आ रहा है तो आने दो अपना को क्या ऐसा। तो ये अभी मैं कांदा बटाटा काट लूँ, सब काट कूट के फिर झाड़ू उड़ू लगा लूँ, फिर देख लूँ भाजी बटा दूँ। जब तक पानी नहीं आ रहा ये सब काम करके लो। और आज खाना कल का ना दाल की भजिया जो था ना, उसका दाल पिसा हुआ दाल भी बच गया, बहुत सारा रह गया, और भजिया भी बहुत सारा रह गया, थोड़ा भजिया रह गया, कोई नहीं खाया। मैं दोपहर को खाई हुई, लड़की भी नहीं खाए, लड़का 2-3 पीस खाए, रात को थोड़ा थोड़ा खाए दोपहर है। तो मैं सोची अभी दाल भी है, दूधी वाला दाल भी है, तो हस्बैंड को दाल पुर जाएगा, दूधी वाला दाल हस्बैंड खा लेंगे। मैंने बोली अभी वही भाजिया वो दाल की पकौड़ा, और थोड़ा पकौड़ा बना लूँ, दाल पिसा हुआ ही है उसका पकौड़ा बना लूँ, लेके भाजी बना दूँ, सालन बना दूँ, पकौड़ा कड़ी बना दूँ, तो सब कोई खा लेंगे। दाल की पकौड़ा का भाजी बना लेंगे ना, मस्त एकदम मसालेदार, तो सब कोई खा लेंगे, तो ही बनाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो चलिए फटाफट सब काटूँ कूटूँ, झाड़ू लगाऊँ, फिर जाके बाकी काम करूँ। एक आखिरी में लादी पोछेंगे, क्योंकि सब काम हो जाता है ना, फिर लादी पोछेंगे ना तो साफ रहता है लादी। अगर काम का बीच में लादी पोछ दी, फिर उसके बाद वही काम करना पड़ता है ना, पूरा लादी फिर गंदा हो जाता है। तो आखिरी में लादी पोछेंगे, पहले मैं सब करके लूँ, फिर संडे को है, संडे को है लड़की का अपॉइंटमेंट, वो मिल गया संडे को। एक्चुअली कल मिला था हम लोग को अपॉइंटमेंट, कल का था 20 तारीख का था, लेकिन 20 तारीख को उसको छुट्टी नहीं है जॉब का, तो संडे को हाफ डे रहता है ना उसका जॉब का, तो संडे को मिला लिए हम लोग का अपॉइंटमेंट। संडे को जाएंगे उसका सीटी स्कैन करने के लिए, सीटी स्कैन पी प्लस ऐसा कुछ है, मतलब थोड़ा बड़ा ही है, तो जाएंगे संडे को कराने के लिए। अपॉइंटमेंट लेके हो गया, संडे को बोला 3:30 बजे का अंदर जाने के लिए, तो वो कराने के लिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट गुरुवार जाएंगे डॉक्टर दिखाने, नेक्स्ट गुरुवार आ रहा है 26 तारीख, आज 19 तारीख, नेक्स्ट गुरुवार 26 तारीख, उस दिन दोनों का ही डॉक्टर दिखाने का, दोनों को ही। एक्चुअली उस दिन दोनों का ही डॉक्टर है, लड़का का भी डॉक्टर उसी दिन जाने वाला था,
लेकिन उस दिन लड़का का वो नहीं लेके जा सकते, नहीं होएगा डॉक्टर के पास, क्योंकि उस दिन लड़का को उधर जाने का है टाटा में स्कैन कराने, टाटा का टेस्ट कराने। तो इसके लिए मैंने बोली उसका बाद गुरुवार को कभी भी जाएंगे, उसका बाद गुरुवार आएंगे 3 तारीख, हाँ 3 तारीख को फिर उसको लेके जाएंगे उसका डॉक्टर दिखाने। तो दोनों को ही लेके जाने का बम्बई में, और उस दिन चारों जने जाएंगे बम्बई। बच्चा लोग तो बोल रहा है नहीं पापा को मत लेके जाओ, हम लोग तीनों जन जाएंगे। पापा जाएंगे तो फिर पापा बहुत गुस्सा करता है, चिल्लाता है, कुछ भी गलती हो जाता है, कुछ भी हो जाता है इसके लिए। उसका पापा को जल्दी से गुस्सा आ जाता है कुछ भी बात के लिए। देख लो क्या होता है, नहीं तो मैं ही लेके जाएंगे, ऐसा नहीं तो चले फटाफट काम कर लो। फिर मेरी खाना बना, कढ़ाई में ऑलरेडी तेल था, अब थोड़ा तेल डालो, गरम होने दो। राई का तेल खाती है देखिए हाथी, राई का बहुत तेज ये तेल है, ये वाला तेल खाते हम लोग। मेरा तेल गरम हो गया, जीरा तेज पत्ता, मैं बना लू दाल की भाजिया का भाजी सड़क गए। और इधर दो बड़ा बड़ा साइज का टमाटर, अदरक लहसुन हरा मिर्ची जीरा, और एक कांदा पीस के लिए, और इधर दो तीन कांदा, छोटा कांदा था बोलते मैं तीन डालू। और ये भाजी हम लोग का घर में सबका फेवरेट है, खास करके मेरा लड़का का बहुत फेवरेट है भाजी। पकौड़ा बनाने का है दाल की, लेकिन वो थोड़ी देर में बना रहे, पहले मैं भाजी बना दूँ फिर पकौड़ा बनाएंगे। इसमें हल्दी नमक मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर सब डाल दी। कांदा हो गया हमारा लाल, अरे देखे डाल सब मिक्स किया हुआ, खाली फ्राई करने का हो जाएगा। तेल गर्म हो गया, छोटा छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा बनाएंगे ना भाजी में, जैसे सालन में डालेंगे फूक के बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सी आलू डाली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हम लोग का घर में बटाटा सब कोई कम खाने लगा, कम डालो तो उस दिन सब कोई मांगने लगता है, जिस दिन ज़्यादा डालो तो उस दिन बटाटा ही बच जाता है। उसके लिए थोड़ा ही डाली, ये अच्छे से भून के लूँ फिर भाजिया डाली। ऐसे हो क्या है, अरे देखिए एक बैंगन का भी है, वो भी डाल देंगे उसमें। और इसका नीचे काल का है, अरे आज का ये लास्ट, बस हो गया ये बैट, ये हो गया है। पानी डाल दूँ तो हो जाएगा मेरा सालन बढ़ जाएगा। फिर मैं कपड़ा डालू, बहुत काम पड़ा, पानी थोड़ा मैं जास्ती डालेंगे, और कोतमीर गरम मसाला बाद में डालेंगे। अभी नहीं, पानी थोड़ा जास्ती डाली, क्योंकि भाजिया डालेंगे ना तो पानी फटक से खींच लेगा, पूरा सालन सूख जाएगा। इसके लिए थोड़ा जास्ती डाली। अब इसको कर दूँ ढक्कन बंद, ये होकर है मेरा भाजिया होकर है, ये हुए। ये देखिए दो हिस्सा करके कपड़ा रखी, ये सब बाहर जाएगा, बाहर धूप पे बाहर चला जाएगा सब। और ये सब घर में डालने का, छोटा छोटा क्लिप के हैंगर में डाल देंगे बस। और झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का बस हो जाएगा। चलिए
चलिए वैसे इसमें कोथमीर डाल दी, गरम मसाला डाल दी थोड़ा सी, क्योंकि मेरे को अभी भाजिया डालने का। अब एक बॉइल होगा तो हो जाएगा, डाल दी बस से पकते रहे। तो मैं ला दी पोछ के लूँ, देखिएगा कितना पानी था, सालन कितना था। सालन सूख के देखिए, लड़का के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। अब मेरा ये बन गया पूरा, बन के तैयार पकौड़ा का कड़ी। क्योंकि गाढ़ा में ना तो ना खा नहीं पाएंगे, इसके लिए आप ही निकल कर रखेंगे ना, ठंडा हो जाएगा तो खा पाएंगे। तो ये बन गया हमारा कड़ी, भजिया के दाल की पकौड़ा का कड़ी, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए गाइस, सब काम हो गया। मैंने तब बोली ना मसाला वसला पीस लो, भाजी उजी काट के लो, मसाला पीसी नहीं, मसाला निकल के रखी थी। कांद बटाटा हो गया था, कांदा काट रही थी, थोड़ा ही बाकी था, एक ही कांदा बाकी था काटने का। उतने में पानी आ गया, फिर रख के फिर गई जाके पहला पानी उनी भरी पूरा सब। फिर बर्तन वर्तन था वो धोई, चाय के बर्तन, हस्बैंड को जो खिचड़ी बना के देती हूँ वो, कुकर कुकर चाय की सब बर्तन वो सब धोई, धो धो के सब पानी उनी भर के नहा धा के मैसिंग में लगा दी थी, क्योंकि आज था मैसिंग, तो मैसिंग में लगा दी थी। फिर लगा के आके फिर मैं कांदा कटी, फिर गई मसाला पीसी, भाजी बनाई सबकी, भाजी उजी बना के फिर कपड़ा उपड़ा धो धो के कपड़ा बाहर अंदर सब डाल दी, अंदर वहाँ डाली, फिर झाड़ू उड़ू लगाई, लादी उदी पोछ ली, पूरा काम ख़त्म, एकदम फिनिश हो गया। 1 बजे सब काम पूरा फिनिश हो गया, 1 कपेल है पूरा काम फिनिश कर ली थी। अभी 1-3 और है, सब फिनिश, सब काम ख़त्म करके लड़का का खाना भी निकाल के रखी, क्योंकि वो गाढ़ा में ठंडा होएंगे तो वो खा पाएंगे, खा के फिर वो ट्यूशन जाएंगे। तो ये सब करके ख़त्म हो गया, अभी फ्री हूँ मैं, थोड़ा बैठूँ, फिर लड़का जाएंगे, लड़का का पीछे पीछे मैं भी थोड़ा निकल के जाएंगे। बैंक का काम मेरा हो रहा ही नहीं, जाएंगे जाएंगे करके जा ही नहीं पा रही, देख लो आज कोशिश करना ही पड़ेगा जाने का, क्योंकि नहीं तो मेरा ATM कार्ड नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे तो मेरा ATM कार्ड आना जरूरी है, ATM कार्ड नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही जाएंगे देखेंगे क्या बोलता है। एक किचन की लाइट बंद कर गया, बाकी सब हो गए सब चीज। आज थोड़ा मम्मी का बहुत याद आ रहा है, क्यों क्या मालूम आता है, ऐसा नहीं जो नहीं आता है याद,
रोज ही याद आता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही याद आ रहा है। जब मेरा मन दिलो दिमाग सही नहीं रहता है ना, तब बहुत ज़्यादा याद आता है मम्मी का। तो चलिए, सब हो गया काम, थोड़ा बैठूँ, पानी उनी पीऊँ। मैं काम करते करते पानी बहुत पीती हूँ। मैं काम भी करता रहता हूँ, पानी भी पीता रहता हूँ गिलास भर भर के, क्योंकि मेरा आदत है। और मैं सोती भी ना रात को, तो मेरा सिरियाने का पानी बॉटल रहता है। मैं रात के सोती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उठ के पीते रहती हूँ। तो ये थोड़ा बैठो टीवी देख के। फिर देख लो क्या करते। चलो गाइस, बैंक से जाके है या अभी जस्ट कुछ मैसेज आ रहा है अभी ऑन के। बहुत भूख लग गया, और अभी बज रहा है कितना मालूम है, 3:51 हो गया। अभी जस्ट आई, कब की गई थी और अभी आई। बैंक में बहुत टाइम लग गया, वो कार्ड के लिए घूमी 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 इधर से उधर, उधर से इधर, कर करके। बाद में उन लोग ने बोला आपका कार्ड खाली टेम्परेली ब्लॉक हुआ, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ बोल के, इसके लिए आया नहीं आ रहा है कार्ड, टेम्परेली ब्लॉक किया गया। तो मैंने बोली पूरी तरह से ब्लॉक करके नया कार्ड लेने का मेरे को। फिर बोला वो योनो को फ़ोन करो, उधर सब बताओ, फिर ये करेंगे, आपका कार्ड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, फिर नया कार्ड के लिए एप्लीकेशन नहीं होगा तो ये आएगा, ऐसा ऐसा सब बोल के, फिर सब ये करके, फिर इधर घूम उधर घूम, मैनेजर के पास जाओ, नहीं आया। मैनेजर के पास गई, वो बोला उसके पास इसके पास, करते करते बैंक में बहुत टाइम लग जाता है। फिर जाके बहुत ये करने के बाद फिर मैडम ने बोला ऐसे ऐसा करो हो जाएगा। फिर जो सर ने उसका अकाउंट खोल के दिया, वो सर ने बोला ऐसा फ़ोन लगाओ, ये करो, गौर से सुनो क्या क्या बोल रहा, फिर वैसे ऐसा करते जाओ। तो उन लोग को फिर हो गया इंशाल्लाह, कार्ड ब्लॉक हो गया पूरी तरह से कार्ड। अभी बोला 7 दिन में, 1 हफ्ते का अंदर कार्ड कभी भी आ जाएगा, और चार्जेस लगेगा 350। तो कुछ नहीं, वो अकाउंट से कट जाएगा, तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कार्ड तो आ जाए। कार्ड नहीं रहता तो बहुत ही होता है, बहुत जगह पैसा निकालने का रहता है, तब जीपे करना पड़ता है उसके लिए। तो थोड़ा खाना खा लूँ, खाना खा के सो जाओ। बैंक का काम हो गया, अभी टेंशन नहीं। बोला 7 दिन में देखने का, एड्रेस में आया तो एड्रेस में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बैंक में जाके ये करने का, बैंक से इंक्वायरी करके लेने का। तो मैंने बोली ठीक है, तो चलिए खाना खा लो, फिर मिल लूँ।